नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। आज लोकतंत्र में हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली यह पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 42 सीटों पर बढ़त है, 6 सीटों पर जीत मिल चुकी है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की एक वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। हरियाणा में जाटों ने भी बीजेपी का साथ दिया है। 2019 में बीजेपी 30% जाट सीट जीती थी। 2024 में 51% जाट सीटों पर बढ़त मिली है। अब बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मतगणना के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अगले सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे, यानी उनके बेटे। बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी वहीं है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में उलटफेर हुए और ऐसे नतीजे जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी, जिस खासकर यदि हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा। और तो और बीजेपी के नेता भी काफी सरप्राइज्ड हैं, कुछ नेता, इस तरह के रिजल्ट को देख करके, क्योंकि ये बीजेपी की हरियाणा में अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और ऐसे में कांग्रेस के पैर के नीचे से मानिए जमीन खिसक गई है, क्योंकि एग्जिट पोल उन्हें हमेशा से जीतता हुआ दिखाते आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम एक के बाद एक पलटते गए, शुरुआती दौर में यदि आज सुबह से काउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तकरीबन 10-11 बजे के बाद या उसके आसपास से जो स्टीयरिंग बीजेपी ने पकड़ी वह अभी तक जारी है और अब तो 50 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है साफ तौर पर। तो ऐसे में नायब फिर से कामयाब हो गए। जी हां, नायब सिंह सैनी, जिन्होंने वोटिंग और गिनती के दरमियान एक बयान दिया था कि बीजेपी सरकार बनाएगी क्योंकि लोग भी उसके साथ हैं और व्यवस्थाएं भी, तो हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक हो गई है। और यह हैट्रिक बीजेपी के लिए एक ऐसा टॉनिक बनकर उभरा है जिसकी वह हमेशा लंबे अरसे से कल्पना करता आया है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये अब तक की हरियाणा के इतिहास में बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2019 की भी बात करें तो बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन इस बार तो अपने बलबूते स्पष्ट जनादेश और बहुमत की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों संदर्भ में हम बातचीत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसे विषय रहे कि एग्जिट पोल फिर से गलत साबित हो गए। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के तरफ से जितेंद्र खोखर जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहीं अजय कौल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एडिटर इन चीफ UNI। सबसे पहले शाही साहब आप ही के पास आएंगे, आखिर ऐसा कौन सा मूल मंत्र रहा जो आपने तो एग्जिट पोल वालों को भी चक्कर में डाल दिया। आज तो वो भी बैठकर सोच रहे होंगे कि अब इस धंधे को आगे बढ़ाना है या बोरिया बिस्तर बांध करके यहीं समेट के कहानी खत्म कर देना है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता क्या हुई थी पता है, 350-400 सीट आपको दिखाई जा रही थी, आई 240-242। ऐसे में इस बार भी आपको सरकार बनते हुए नहीं दिखाया जा रहा था और आप बहुत आराम से अब सरकार बना रहे हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिला सर? देखिए कुणाल जी, हम लोग वहां पर जनता की जीत हुई है, जनता ने सारे नेगेटिव नैरेटिव को ठुकरा दिया है। और रही एग्जिट पोल वालों की बात, तो ये तो छत्तीसगढ़ में भी गलत साबित हुआ था, आपने देखा होगा पीछे जो चुनाव हुए उसमें, मध्य प्रदेश में भी, क्या नाम है, राजस्थान में भी गलत साबित हुआ था। तो ये चलिए वो उनका काम है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, मगर हम जो हमारे अपोनेंट हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हमसे चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो बयान, जो उन लोगों ने नेगेटिव नैरेटिव फैलाया, किसान, संविधान, पहलवान, जवान, ये सब हमारे फेवर में नजर आए, ये कहीं कांग्रेस के फेवर में नहीं गए। कांग्रेस को देखिए क्या स्थिति हुई है, कितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस है इस समय। वहां पर उनके जहां से जलेबी शुरू किया था वहां पर भी हार गई है कांग्रेस। ये राहुल गांधी जी को पता नहीं होना चाहिए, उद्गम स्थल जो बनाया था उन्होंने जलेबी का, तो जलेबी में ही मृत्यु बन गई वहां, वहां भी हार गए। तो स्थितियां इतनी कांग्रेस के विपरीत में है। इनका खटाखट 85-100 वाली जो योजना थी, जो लोकसभा चुनाव में, वो फेल हो गई थी। संविधान बदल देंगे वो जनता ने नकार दिया। ये लोकतंत्र खतरे में है, जनता ने कहा कि दूर रहो हमसे। आज स्थिति इतनी बढ़िया, जनता ने कर दिया, इतना आशीर्वाद दिया उनको, ये है कि नायब सिंह सैनी साहब और माननीय मोदी जी इस देश को मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं, हरियाणा को विकास दे सकते हैं। ये लोग पर्ची और खर्ची वाले हैं, इनको नहीं लाना है हमारे साथ। आज हर वो किसान, ये लोग देश को भ्रमित करते रहे, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते हम, हमको पता हो गया कि किसान हमारे साथ है। मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद हमको पता हो गया किसान हमारे साथ है। आज मुहर लग गई हरियाणा के चुनाव जीतने के बाद कि किसान हमारे साथ है, ये लोग फर्जी और। अच्छा ठीक है शाही साहब, श्रेय किसको दीजिएगा, मोदी साहब को और सैनी साहब को तो आपने दे दिया, लेकिन जिस व्यक्ति 9.5 साल भी एक व्यक्ति सरकार चलाए हैं, आप शायद उनका नाम भी लेना चाहें। मैं कुणाल जी, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी परिवार को है। हाँ, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उन पन्ना प्रमुखों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक है। ये सबका एक एक व्यक्ति का क्यूमुलेटिव एफर्ट है जो आज इस तरह से रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। आज तक तीसरी बार किसी ने हैट्रिक नहीं लगाया था, आज जनता ने हमारे भाजपा परिवार को आशीर्वाद दिया है। सर, इस हैट्रिक की उम्मीद थी आपको, वो भी इतने बड़े अंतर से? देखिए इतना बड़ा अंतर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमको थी, लेकिन हमारी सरकार बन रही थी, हम लोग बार बार बोल रहे थे। हाँ चलिए, हम लोग बोल रहे थे बार बार सरकार बन रही थी, लेकिन जनता ने हमको ये कहा कि नहीं, आप लोग कहीं हिचक में नहीं रहेंगे, ये ले लीजिए पूर्ण बहुमत और उसके ऊपर लीजिए। ठीक है, ये है जनता का प्यार, यही है लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र। हम लोगों ने कभी रोना नहीं रोया कुणाल जी। ठीक, ये रुदाली गिरोह जो है, कभी ईवीएम का रोना, कभी किसी चीज का रोना, अब शुरू हो गया चुनाव आयोग का रोना। ठीक है, ओके। खोखर साहब भी हमारे साथ, खोखर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। खोखर साहब आपका भी स्वागत है, कौल साहब आपका भी स्वागत है, लेकिन खोखर साहब इसे वो कहते हैं कि आते आते भी पहुंच ना पाए, ऐसी क्या बात रह गई कि जो तमाम, यहां तक कि मैं राजनीतिक विश्लेषकों की भी बात करूंगा, ग्राउंड के मूवमेंट को हर कोई भापने में विफल रह गया। जनता वोकल थी, लेकिन क्या खेल साइलेंट वोटर्स ने कर दिया, या आपकी पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध डेवलप हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, या ओवर कॉन्फिडेंस में मामला हाथ से फिसल गया? खोखर साहब जी नमस्कार। कुणाल जी नमस्कार। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है वो हर वर्ग का विकास करना रहा है और 36 बिरादरी के भाईचारे को एक साथ लेकर चला है। लेकिन बीजेपी ने, मैं बता दूं, राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी है, जात पात की राजनीति की है। जिस प्रकार से आप देखना चाहते हो, हरियाणा प्रदेश में भी जाट नॉन जाट की राजनीति, जब से बीजेपी सरकार में आई है इन्होंने हमारे भाईचारे को खराब करने का काम किया है, नहीं तो हरियाणा का भाईचारा
सबसे आगे था, इन्होंने हमारे को जात पात में बांट दिया। इसका फायदा अंग्रेजों वाली चाल बीजेपी पार्टी ने करी, फूट डालो राज करो, इनकी फूट डालो राज करो की नीति है। नहीं अगर काम किया होता हरियाणा प्रदेश में तो इनके मंत्री 5 साल पहले भी इनके सारे मंत्री पहली सरकार के हारे, अब की बार भी इनके सारे मंत्री जो सरकार में ये सारे मंत्री हारे। अगर काम किया होता, शिक्षा में काम किया होता तो शिक्षा मंत्री ना हारते, अगर परिवहन मंत्री परिवहन में काम किया था वो ना हारते, देखो कृषि मंत्री कृषि में काम किया था वो ना हारते। देखो इन्होंने काम किया नहीं, सिर्फ ब्याह खट्टर का, ब्याह अबे रैनी साहब का था, फोटो मोदी का, बार बार ये मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं कि नहीं यहाँ हरियाणा में काम के नाम पर वोट नहीं मांगते। अब ये बात करते हैं अग्निवीर योजना की, कई बार इनके प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमने बिना खर्ची पर्ची की सर नौकरी लगाई। देखिए बिना खर्ची इनके HSSC के भर्ती बोर्ड में टैचियां, करोड़ों की टैचियां, लाखों की टैचियां। खोकर साहब ठीक है, अब मुद्दे गिनाने का वक्त चला गया खोकर साहब, अब आपको विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने का जनता ने मैंडेट दिया है, सरकार चलाने का मैंडेट तो बीजेपी के ही पास है। आपको ऐसा लगना, आपको ऐसा लगता है ना कि जो आपने मुखर होकर के तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखा, जनता ने उसे हाथों हाथ नहीं लपका? मैं बिल्कुल मानता हूँ ये कहीं ना कहीं फिर बहकावे में बरगलाने में फिर बीजेपी कामयाब हुई जात पात की राजनीति करने में। ठीक है, ओके। हमारे साथ अजय कौल साहब भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ UNI। सर लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं अप्रत्याशित माने जाएंगे हरियाणा के संदर्भ में, चूंकि अभी मैं हरियाणा की बात पहले कर रहा हूं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सा वह फैक्टर रहा? क्या बीजेपी ने जिस तरह से जाट बनाम गैर जाट की लामबंदी की, वैसे में गैर जाट का एक संपूर्ण बहुमत उनके पास आया, या फिर जितने बागी थे उनको उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, या फिर जितने लोग कंटेंड करना चाह रहे थे, कंटेस्ट करना चाह रहे थे, उनको दरकिनार करते हुए एक तरह से स्ट्रेटेजिकली इस पूरे चुनाव को लड़ा और अंत में अब फतह पाई है? आपको क्या लगता है कौल साहब की टेक अवेज क्या होंगे हरियाणा के चुनाव? कुणाल जी आपने सही बोला कि बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली लड़ा है इलेक्शन हरियाणा में, जहां पे उनको लग रहा था कि हालत खराब है क्योंकि किसान आंदोलन वगैरह के वजह से वहां पे बीजेपी के खिलाफ एक रोष गुस्सा था कुछ एक सेगमेंट में। तो जैसे आपने बोला इन्होंने क्लिनिकली लड़ा वहां पे जाट नॉन जाट, और ये एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हरियाणा के बारे में जो पिछले 2014 में भी देखी गई। ये माना जाता है कि जाट एक मेजर सेक्टर है, लेकिन तब भी एक पंजाबी जो नॉन जाट है सेक्टर, उन्होंने तब भी खेल खेला था, और आज भी मुझे लगता है कि उनकी वजह से ही बीजेपी को इतना ये पुश मिला है। एंड दूसरा ये जो मोदी जी का जो अभी भी जो अभी उनका जो करिश्मा है, करिश्मा हाँ जी करिश्मा जो करिश्मा हिंदी में बोलते हैं, करिश्मा अंग्रेजी में, तो वो अभी भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से बीजेपी को बहुत बेनिफिट मिला है हरियाणा में। तो ये मेरे ख्याल से दो फैक्टर एक है, और तीसरा कांग्रेस में जो अंदरूनी वहाँ पे इंटरनल डिफरेंसेस थी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा वगैरह को लेके आपस में, मुझे लगता है कि वो भी एक मेजर फैक्टर रहा होगा। अंदर जो कार्यकर्ताओं को जो काम करना होता है ग्राउंड वर्क ग्राउंड पे, उसमें मुझे लगता है वो भी एक मेजर फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से कांग्रेस को ये झटका मिला है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कौल साहब, लीडर्स की एक अपनी भी फोर्स होती है, और जिस तरह से हमने देखा कुमारी शैलजा को भी कैंपेन से थोड़ी सी बेमनसी हो गई जब उन्हें लगा कि अब शायद वह टॉप पोस्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन ठीक है अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा, टॉप पोस्ट तो तभी मिलता है जब जनता आपको मैंडेट देती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी इतवार से दिल्ली में कैंप किए हुए थे, अब तो उन्हें भी सोचना होगा कि आखिर कैंप किए थे तो क्यों किए थे। खैर आप देखो ना बीच में वो शैलजा इलेक्शन के बीच में वो कैंपेन छोड़ के दिल्ली आ गई थी, दिल्ली में पता नहीं किससे मिले क्या मिली। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल वही वाली बात है ना, अंतर कला सामने निकल कर आ ही जाता है कांग्रेस में, और इस मामले में बीजेपी में भी थी कुछ कुछ चीजें, जैसे अनिल भी साहब ने आज भी फिर से मंशा जताई कि हमको मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन खैर वो तो आला कमान तय करेगा। लेकिन ठीक है शाही साहब, अब चलिए हरियाणा तो आपने फतह कर लिया,
लेकिन जम्मू कश्मीर में वह कसक और वह टीस रह गई। आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, धारा 370 आर्टिकल 35 से सब हटाए, उसके बावजूद ऐसी क्या परिस्थितियां वहां पे बन गई जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको ताज नहीं पहनाया? और देखिए, जम्मू कश्मीर में जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया वो सर आंखों पर है। हमने लगभग, हम पिछले चुनाव में भी इतनी ही सीटों के आसपास थे और आज भी उतनी ही सीटों के आसपास हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विकास के काम किए थे, जो वहां पर गांव-गांव में सड़कें बनवाई थी, जो वहां रोजगार दिए थे, जो वहां पर अस्पताल खोलने की बात की थी, उन सबको जानते हुए जनता ने, वहां की जनता ने, वहां की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रोजगार से स्वयं अपना रोजगार कर रही हैं, हाँ, उन्होंने हमको वोट दिया। और आज हमारा वोट परसेंटेज देखने वाला है वहाँ कि हम जहाँ नहीं थे, जहाँ हमारा विरोध था, हमने वहाँ के लिए आतंक रोका, वहाँ पत्थरबाजी रोकी, हमने विकास किया, तो जनता ने हमको वोट प्रतिशत बढ़ाया। किश्तवाड़ में हमारी परिहार, हमारी बहन परिहार जीती है वहाँ, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आबादी है, वो आतंक के खिलाफ लड़ती है। तो एक घाटी में भारतीय जनता पार्टी का आगाज हो गया है और हम जम्मू में पहले भी जीते थे, जम्मू में अभी भी हैं। वहां देखिए कांग्रेस की कितनी दुर्दशा हुई है। कांग्रेस का वहां पर हमको लग रहा 8 सीट भी नहीं आई है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के समान एक देश की, भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुरानी पार्टी है वो इतनी पुरानी पार्टी की ये दुर्दशा है। कितने सीटों पर वो लड़े थे, कितने सीटों पर हम लड़े थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, जनता ने हमको जो भी मत दिया वो स्वीकार्य है, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। घाटी से हमको वोट का बढ़ना ये बताता है कि हमारा विकास धीरे धीरे ही सही स्वीकार्य है। वहाँ 370 को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है शाही साहब, अब आपने चूंकि ना घाटी और जम्मू कश्मीर के वोट प्रतिशत की बात छेड़ी दी है ना साहब, तो हरियाणा पे एक बार फिर लौटने का मन करता है। बीजेपी को ना, भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 40% वोट शेयर मिला है ना, और कांग्रेस को भी आप देख लीजिए तकरीबन मामला उतना ही है, 1% हमसे कम वोट है। ठीक है, तकरीबन आपके बिल्कुल इर्द गिर्द ही है। और आम आदमी पार्टी को भी देखे होंगे आप कितना है, तकरीबन 1.25%। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी यदि साथ में मिलकर चुनाव लड़ जाती तो आपके हाथ से बाजी निकल जाती शाही साहब? आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में मिलकर लड़ी ही थी। लोकसभा की बात नहीं कर रहे, विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने मिलकर लड़ने की बात की, हम तो मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं ना। मिलकर लड़े थे लोग, बाजी किसके हाथ से निकली? ये तो जनता है, 2% और 1% वोट का हम तो कह रहे हैं, उतना वोट 1% के वोट स्विंग से कितनी सीटें निकाल ले गई आम आदमी पार्टी, जरा बता दीजिए हमको। और वोट जोड़कर और सीट का अंतर निकाल लीजिएगा। हमारा सीट कहाँ पहुंच रहा है, उनका सीट कहाँ है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए वोट परसेंटेज का, हमसे कभी कभी लोग ज्यादा वोट पाकर भी कम पाते हैं। वो बात सही है, वो टेक्निकलिटीज तो उसमें रहती है, लेकिन मार्जिन सर किसी किसी में बहुत ज्यादा, कुछ में अभी भी 10 सीटें तकरीबन फंसी सी लग रही थी बहुत, जिसमें आपके और कांग्रेस के वोट परसेंट, मतलब जितने नंबर में जो अंतर है वो काफी कम है। तो अब तो खैर मोटा मोटी ये चीज क्लियर है कि आप 50 के आसपास इंटैक्ट रहेंगे। खैर ठीक है, आपको बधाई हरियाणा जीतने के लिए, लेकिन एक कसक जो रह गई जम्मू कश्मीर के लिए उसके लिए भी सोचना होगा। खोखर साहब, हरियाणा आप हार गए, चलिए ठीक है, लेकिन आपको भी बधाई, जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन की सरकार बन रही है, तो 50-50 स्ट्राइक रेट आप लोग दोनों का हो गया। ऐसे में आप जम्मू कश्मीर के भी परिपेक्ष में अगर कुछ बोलना चाहे कि आपको क्या लगता है वहां पर आपकी स्ट्रेटजी काम कर गई जो हरियाणा में न कर गई? देखिए मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप लोकसभा में लेके चलिए, कितना वोट उनको मिला, कितना वोट लोकसभा में मोदी जी को मिला, और उसका फैक्टर सीधा सीधा हमारे राहुल गांधी जी ने डबल से भी ज्यादा वोट लिया है, जो हमारे देश के पीएम 10 साल रहे, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी लोकप्रियता और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में डबल का फर्क हो गया। देखिए कुणाल जी, और यही राहुल गांधी जी की लोकप्रियता थी तो हमारी कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी पाई। यहाँ हमारा, मैं बता दूं, हरियाणा में जेजेपी पार्टी के, मैं बता दूं
जो बीजेपी पार्टी के नेता बीजेपी पार्टी में थे वो भी खुल के समर्थन कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के खिलाफ समर्थन कर रहे थे वो नेता, यानी कहीं ना कहीं मिली जुली इनकी भगत जो जेजेपी की थी, जो इनेलो की थी, इनेलो के भी कई नेता हमने देखे कि वो प्रचार करते इनेलो के और कांग्रेस के खिलाफ वो बीजेपी के साथ लगे हुए मिले। इन्होंने राजनीति जो की है हरियाणा में सभी हरियाणा की जनता जानती है, इन्होंने जात पात का कार्ड खेल के ये फिर सरकार बना गए हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ने जो हमारे को वोट प्रतिशत इतना दिया है, मैं हरियाणा की जनता को अपनी पूरे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मैं पूरी पूरी बधाई देता हूं अपने प्रदेश की जनता को। और ये तो चुनाव ठीक है, और उपाय भी क्या है, अब तो खैर यही करना होगा। नहीं ठीक है, समझ गए आपकी बात को, आधा आपने जीता आधा आपने हारा। ठीक है कौल साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपके तरफ से भी लेंगे। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी प्लेयर बनकर उभरी है, बकायदा बेशक वहां पर गठबंधन की सरकार बनेगी एनसी और कांग्रेस की, लेकिन वहां पर के जो नतीजे हैं उसको आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में? जम्मू कश्मीर का जो दो हिस्सों में रिजल्ट है, एक तो कश्मीर का है, वादी कश्मीर का जो एनसी को पूरा गया है, उसको ऐसे नजर से देखना चाहिए कि ये पूरा वोट जो 370 को हटाने का है, जो गुस्सा और ये स्टेटहुड हटाने का है, जो मेन मुद्दे थे वहां पे, जिसको एनसी ने पूरा प्ले अप किया और बीजेपी उसकी अपराधी मानी गई वहां पे सेक्टर में, तो ये एक मेजर फैक्टर है। ये नहीं कि लोगों को वहां पे इतना प्यार है एनसी के साथ, बट ये देखा गया कि ये क्लियर है हमारे तरफ से, ये 370 का हमारे मान लो वकील है हमारे 370 के और स्टेटहुड के हमारे लिए लड़ेंगे, और जो बाकी ये पार्टीज आई थी बीच में उनको एक टेंट लग गया कि ये बीजेपी के साथ मिले जुड़े हैं, मिले हुए हैं। ये छोटी पार्टी थी जैसे गुलाम नबी आजाद की पार्टी, कहीं नहीं उनको कुछ नहीं मिला। पीडीपी एक जो बड़ी पार्टी थी वहां पे वो रोंदी गई है पूरी, उसको 3 सीटें 4 सीटें मिली है टोटल। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बीजेपी के साथ जो मिले हुए थे, एक बार सरकार बनाई थी उनका, एक उसकी वजह से फैक्टर है। बिल्कुल कौल साहब, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव कि जनता नैरेटिव ही होता है, नैरेटिव इलेक्शन तो हमेशा नैरेटिव पे खेला जाता है, सेंटीमेंट पे। बिल्कुल कौल साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप अपने अपनी बातों को रखा जनता के सामने, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आखिरकार अंततः यही कहना होगा कि 50-50 के स्ट्राइक रेट के साथ यह मैच ड्रॉ रहा। आगे कई मैच खेलने बाकी हैं, झारखंड के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, और विधानसभा यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में अभी का मैच ड्रॉ है, लेकिन सीरीज कौन जीतता है इसके ऊपर सबकी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।